हेलो इंटरनेट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं दिन से शुरुआत कर रहा हूँ और आज मैं गया था ताऊजी लोगों के वहाँ, तो वहीं से मैं आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। देख सकते हो ये आप देख रहे हो यहाँ पे कूट रहे हैं आज, क्योंकि चूड़ उड़ कूटते हैं ना आज, तो ये लोग सुबह से कूटने लग गए हैं, हमने तो अभी तक कूटा नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो ताई जी और चाची लोग हमारे चूड़ कूट रहे हैं। और पहले ज़माने के जो लोग हुआ करते थे वो इसी में, इसे ओखल कहते हैं वैसे हमारे गांव में, ऐसी होती है ओखल। और इसमें पहले से लोग धान सब कूटा करते थे, लेकिन अब चक्की हो गई है तो लोग वहीं जाते हैं कूटने के लिए, कुछ भी हो। और बाकी देख सकते हो, तो दोस्तों दीपावली के अवसर पर घर की साफ सफाई चल रही है और घर में पुताई लिपाई चल रही है, पेंटिंग चल रहा है मतलब। और यहाँ पे ये लोग चूड़ और कूट रहे हैं, ओखल में कूट रहे हैं। पहले इसको देख रहे हो आप, वो कढ़ाई में लेके आ रहे हैं तो उनको भून रहे हैं पहले, फिर उसको कूट रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे कूटा जाता है ओखल में धान। और देख सकते हो दो लोग लग रखे हैं कूटने में, एक अंदर सफाई कर रहा है उसको ताकि बाहर ना गिरे और करके। और ये जो ओखल लकड़ी का बन रखा है इसको हमारी पहाड़ी भाषा में मुसर कहते हैं, हमारी भाषा में जो आमतौर पे। और देखो ये एक के बाद एक कूट रहे हैं चाची लोग और लोग। और ये देखो हमारी चाची चूड़ को भून रही है, और ये देख सकते हो ऐसे भुना जाता है पहले, फिर ओखल में डाला जाता है भुने हुए, फिर उसको कूटा जाता है, और फिर जो बनता है ये देख सकते हो ऐसा कुछ बनता है। फिर उसके बाद इसको सूप में साना जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको साफ किया जाता है, और फिर चूड़ अलग किया जाता है, फिर उसको हम खाएंगे। हमारी धन ऐसे देख रही है मेरी तरफ को, चाची भी धुआं लग रहा है शायद, चाची को धूप भी लग रहा है ऊपर से यार, फिर भी चाची लगी है। ये देखो ताऊजी ने इसमें मिर्च लगा रखी है, और मिर्च देखो ना इतनी बड़ी हो रही है ना इसमें यार। तो दोस्तों देखो यार ओखल इन्होंने मतलब धान आन कूट लिए शायद, और ऐसा ये चाचा लोगों का घर है, मौसम ऐसा कुछ हो रहा है आज का। और हम चलते हैं हम घर को यार। हेलो हेलो कर दे नमन, तो अभी ये खाना खा रहे। तो दोस्तों ये पॉली हाउस लगा रखा है यहाँ पे, देखते हैं चलो अंदर क्या क्या लगा रखा है करके। तो गाइस देख सकते हो यार ये हरी सब्जियाँ लगा रखी है। और ये तो मुंचा की अभी गुड़ाई चल रही है हरी सब्जियों में, ये पानी भी डाला जा रहा है और गुड़ाई भी कर रहे हैं, बता रहे हैं यार बहुत मेहनत चाहिए करके। पॉली हाउस में काफ़ी मेहनत चाहिए होती है यार, वैसे बहुत कुछ करना पड़ता है, कितना खाद डालना पड़ता है। ये देखो यार ये ऐसा कुछ पूरी हरी सब्जियाँ लगा रखी है इन्होंने। और ये लगा रखा है देख रहे हो अभी शिमला मिर्च का पेड़ देखो, और छोटे छोटे शिमला मिर्च भी लग रखे हैं देखो। तो गाइस अब चलते हैं दूसरे पॉली हाउस में, दो पॉली हाउस लगा रखे हैं, वहाँ भी देखते हैं क्या लगा रखे हैं, शायद वहाँ भी हरी सब्जी लगा रखी है पूरी। तो गाइस ये देखो यहाँ भी हरी सब्जियाँ लगा रखी है, शिमला मिर्च लगा रखा है यहाँ भी, मतलब दोनों में वही लगा रखे हैं, शिमला मिर्च और हरी सब्जी लगा रखी है। पाइप सप्लाई कर रखा है पानी के लिए, पाइप सप्लाई कर रखा है, और हरी सब्जी भी काफ़ी अच्छी हो रही है मतलब, ठीक है अभी थोड़ा और पानी डालने के 2-4 दिन में हो जाएगी मतलब। ये देखो तो दोस्तों ये देखो लकड़ी का ढेर लगा रखा है इन्होंने, अब ठंडे का मौसम भी आ रहा है चाहिए लकड़ियाँ। और ये पिरूल लगा रखा है यहाँ पे, ये गाय बच्चों के काम डालता है, और ये लोग सुनसानी चल रही है अभी, शायद काम में होंगे कोई लोग। तो यहाँ पे देख सकते हो चाची जी हमारे पेंट कर रहे हैं घर पे, और हम चलते हैं रोड में। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं रोड में, और आज मौसम भी सुबह सुबह का मौसम ठंडा रहता है, अभी हल्की धूप निकल रखी है तो धूप में उतनी गर्मी है नहीं। दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ रोड पे, पहुँच चुका हूँ, और ये है हमारे गांव का गधेरा। ये देखो इस गधेरे से इतना पानी निकलता है और खेतों तक जाता है, जब रुपाई लगती है गांव में तो ये नीचे खेतों में जाता है और सिंचाई के काम आता है।
और यहाँ पे भी पॉली हाउस लगा रखा है। आजकल हरी सब्जियाँ अधिकतर लोगों ने लगा रखी हैं पॉली हाउस में। और इस वक्त मैं कर रहा हूँ गाड़ी का इंतज़ार। तो दोस्तों, हमारे दादाजी के परम मित्र और छोटे भाई आ रखे हैं मिलने के लिए। दोनों की गप्पे चल रही है काफ़ी बातचीत। तो दोस्तों, ये हमारा उखल और लिपाई पाई कर चुके हैं हम। तो अभी धान आन फिर शाम को ही कुटेंगे, अभी तो वक्त होगा नहीं, खेत में भी जा रखे हैं और लोग। तो दोस्तों, ये धान चढ़ा रखे हैं, कूटने से पहले चढ़ाते हैं इसको। तो दोस्तों, आज गोवर्धन पूजा भी है, तो हमारे पहाड़ी जो रीति रिवाज के अनुसार थपकी लगाए जाते हैं, गाय बच्चों में थपकी लगाई जाती है और चावल के आटे को भिगाया जाता है और उसी से हाथों में ऐसे करके और ऐसे थपकी लगाया जाता है। और गैस जो भैंस होते हैं उसको तो हाथ से किया जाता है, और जो गाय और बच्चियाँ होती है ना उसको माण से किया जाता है। और वैसे माण तो था नहीं, तो गिलास से ही लगा दे। तो दोस्तों, अभी शाम का टाइम चल रहा है, लोग घर को जा रहे हैं, गाय बच्चा लेकर जंगल गए थे घास चराने के लिए। और हाँ, अभी शाम का टाइम चल रहा है तो हम लोग धूप सेक रहा हूँ, दुकान पर आ रहे हैं हम बैठने के लिए दोस्त लोगों के साथ में। तो दोस्तों, अब हम भी चूड़ कूट रहे हैं और पापा जी ये भून रहे हैं इसको, और भाई रेडी है उसको साफ कर रहे हैं मतलब, और हम लोग अब चूड़ कूटेंगे उसके बाद। तो अभी शाम का टाइम चल रखा है, दिन भर काम चल रहा था, और ये देखो थोड़ी बहुत लाइटिंग कर रखी थी यार, और टाइम नहीं मिल पा रहा शौच का मैंने आजकल, और धूप भी जा चुकी है इस वक्त। और देखो शाम का टाइम पे अभी जो है पापा लोग और भाई, ये देख रहे हो इसको, ये महानुभाव को, इसको गौर से देखो, इस महानुभाव को, अभी आ रहे घूमने ऐसी आवारों की तरह गया था। और ये अभी देख रहे हो आप ये धान, तो धान को ऐसे भूनते हैं, साइड हो जा साइड हो जा। तो देख लो इसमें अभी कूटेंगे इसमें, ठीक है, फिर इसका चूड़ बनाते हैं चूड़, और उसको कल के दिन चलाते हैं, कल द्वितीया होता है, तो हमारी भाषा में उसे द्वितीया कहते हैं, द्वितीया त्यौहार। बने रहे आज जग रहे यो दिन वाले डायलॉग, कॉल डायलॉग कॉल को जी रहा आज जग रहे यो दिन यो पहाड़ी संस्कृति को बढ़ाते रहो। ऐसी धन्नो है, धन्नो अभी चिलगम चबा रही है चिलगम। तो धन्नो कैसे है तू, हमारी धन्नो को देखो, धन्नो ये बच्चे हमारे, ये भी अभी शाम के टाइम पे ठंडा हो रहा है इसको भी काफ़ी, और ये भी चिलगम चबा रही है, ये छोटी वाली पट्टी है, काफ़ी शैतान है, अरे डर के भाग रही है वैसे, देख सकते हैं भोली भाली सी हमारी बिमला, बिमला ए बिमला, शर्मिली भी है बहुत ही, जैसे मैं इसको पकड़ने जाऊंगा ना भाग जाती है मतलब। देख सकते हो यार हालत आज काफ़ी, कपड़े पहन रखे हैं मैंने क्योंकि ठंडा लग रहा है मुझे, और तबीयत भी मेरी कुछ डाउन है, और फिर भी काम कर रहा हूँ ये देखो, तो बने रहे यार ऐसे, ठीक है, सर दर्द हो रही है, तबीयत भी डाउन चल रही है, क्या बताऊँ, आंखें दिख रही होंगी आपके, काफ़ी डाउन जा रखी हैं आँखें। और मम्मी आ चुकी है अभी खेत से, खेत से हाथ में देखो ये एक दर्जन दथली ले क्या आ रही, इतने दथली के साथ काटती है, इतने दथला से काम चालू है फिर भी। ओ बाबा हो आग लग गई यहाँ भी, लकड़ा छील के ना
तो अंधेरा हो चुका है गाइस, देख सकते हो काफी अंधेरे में भी काम चल रहा है इनका। तू किन धमोड़ी है यहां पर? मेरा हाथ खुटन पीट रहा है यार, ये देखो इतना बचा है अभी, ये कूटना थोड़ा ही कूट पाए हैं। कूटने का चैलेंज ले रखा है इसने और ये इतना कूट दिया है, अभी भी चल रहे हैं, रात हो गई और इतना बच रखा है। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहें, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, प्यार सपोर्ट बनाते रहें। अगर प्यार सपोर्ट नहीं दोगे तो फिर अगला ब्लॉग कहाँ से आएगा फिर।